दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा जो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई कार्यों के लिए अधिक अनुकूलता आज महसूस होगी। जा दोस्तों यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा समय रहेगा। जा दोस्तों आपको बता दें क्योंकि इस दौरान आप कोई नया वाहन या फिर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। समय आज का आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आपके लिए आवश्यक यह होगा कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व अपना पूरा समय लें और सोच समझकर समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाएं। पारिवारिक जीवन में चिंताओं की आज कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं काबू में आ जाएंगी। या दोस्तों साथ ही साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ भूमि वाहन इत्यादि का भी आज योग है। प्रयत्न करने से आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा करें। राजनीतिक लाभ प्राप्ति के दृष्टि से स्थितियां अनुकूल हैं। साथ ही साथ घर पर कोई शुभ कार्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए बुद्धिमानी से अपने वित्तीय का प्रयोग करें। अपने घर में सुधार, जीवन शैली की स्थिति में वृद्धि आदि पर व्यय हो सकता है। अपने अच्छे वित्तीय प्रबंध के लिए सुरक्षित खर्च को प्राथमिकता देना सीखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आज आप अपने परिवार के बीच अच्छा समय बिताएंगे। पुराने समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याओं से आज आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा या फिर किसी मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है, जिससे घर में मेहमानों का आगमन होगा और रसोई में कढ़ाई चढ़ी रहेगी। साथ ही साथ आज आप गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगति से दूर रहने का प्रयास करें, अन्यथा किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मानसिक अशांति के साथ साथ कार्य व्यवसाय में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मन में घबराहट तथा परेशानियों से योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः आपको सावधानी रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको बता दें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को लाभ मिलेगा। आपके ज्ञान में आज वृद्धि होगी और वरिष्ठ तथा गणमान्य लोगों द्वारा प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। कामकाज के क्षेत्रों में वृद्धिकरण किया जा सकता है। साथ ही साथ अपने कार्य स्थल को लेकर कुछ आज आपको असंतुष्टि का भाव रह सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा। इसी कारण आज आप कुछ हद तक स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप तनाव मुक्त रहें और अपने जीवन को खुशहाल व्यतीत करें, आपके लिए अच्छा होगा।
दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दें पति पत्नी के बीच आपसी तनाव उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे से अलगाव की स्थिति बन सकती है, एक दूसरे से दूर रहने की संभावना आज पाई जाती है। इसलिए ऐसे में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ दांपत्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, उन्हें अपने जीवन साथी के गुस्से और अहम के टकराव से बचकर रहना होगा, अन्यथा आपका दांपत्य जीवन परेशानियों से घिरा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ प्रेमी जन से बड़े आपसी अंतर को दूर करने समझ बूझ के साथ एक दूसरे से आपसी सामंजस्य बिठाकर रहने से सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि किसी तरह का आप दोनों के बीच मन मुटाव है या कोई मतभेद है तो उसे दूर करने का आज आप प्रयास करें। आज का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। अपनी वाणी पर संयम और मधुरता बनाए रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें रुके हुए कार्य आज पूर्ण होंगे और धन लाभ की आज अच्छी स्थिति रहेगी, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। व्यापार विस्तार की नई योजनाएं आज आप बना सकते हैं। व्यापार को लेकर किसी यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। साथ ही साथ व्यवसायिक क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति रहेगी, कार्य आसानी से सफल होंगे, कारोबार विस्तार की योजनाएं आप बनाएंगे। साथ ही साथ पैसों के लेन देन से भी बचें, प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को आज नई नौकरी नई जॉब के ऑफर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उनको बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। साथ ही साथ नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं और कार्यभार की भी आज कुछ अधिकता रह सकती है। हालांकि कड़ी मेहनत से कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पूरा दिन आज भागदौड़ में बीतेगा, जिससे आज आपको कुछ थकान का भी अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहें, तनाव मुक्त रहें। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज किसी तरह के दर्द या सूजन संक्रमण देखने को मिल सकता है, ऐसे में आपको सावधान रहने की आज आवश्यकता है। जहां दोस्तों आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर आपको जोर देने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आपको कुछ सेहत के मामलों में अधिक नियमित होने की जरूरत रहेगी, जिससे आपको कुछ योग आसनों का सहारा भी लेना पड़ेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली रंग क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा गोल्डन और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। जय दोस्तों अब बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, कौन कौन से उपाय आज आपको करने चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें आज आप सफेद गाय को चारा खिलाएं, ऐसा करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज आप कांसे के एक गोल टुकड़े को हरे कपड़े में लपेटकर जेब में रखें, ऐसा रखने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे। हो सके तो आप कांसे के एक टुकड़े को हरे कपड़े में लपेटकर अपने जेब में ही रख लें, परमानेंट रखा लेने दें, आपको कभी आर्थिक परेशानी नहीं होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। और साथ ही साथ क्या करें आप, आज आप सफेद फूलों को कुछ पैसों सहित, मतलब कुछ सफेद फूल लेने हैं और कुछ पैसे रखकर जल में प्रवाहित कर दें। जहां दोस्तों ऐसा करने से जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जय दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको आपके भाग्य का पूरे 97% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।